जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज। इस वक्त मौजूद है हमारे संध के अंदर और हमारे साथ मौजूद है सोनिया बोथ, एडवोकेट सोनिया बोथ, जो बार एसोसिएशन की सह सचिव भी है। और जानकारी के लिए हम बता देते हैं कि अब जो नगर पालिका के चुनाव लगभग आने वाले हैं और इसका बिगुल बज चुका है। जितने भी कैंडिडेट जो है अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं और हम आपको जानकारी के लिए बता देते कि सोनिया बहुत ऐसी कैंडिडेट उम्मीदवार है जो अब की बार जो है नगर पालिका में अपनी तैयारी को लेकर काफ़ी एक्टिव है और एक ऐसी महिला होगी असंध के अंदर जो खुद फाइट में आई है। और क्यों आई है इनसे हम बात करेंगे। सोनिया जी, सबसे पहले तो स्वागत है। नमस्कार, PC24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और सर, आपने कहा कि मैं खुद मैदान में नहीं आई हूँ, मैं शहर वालों ने तैयार की हूँ और तभी मैंने ये स्टेप लिया, ये कदम उठाया है। शहर की रिक्वेस्ट पे ही मैंने ये स्टेप लिया। जी, अच्छी बात है। और तभी जो है आने का फ़ायदा भी है, जब लोग उनको प्रेरित करें, जब उनको लगे कि भी ये जो है इंसान हमारा काम कर सकता है, हमारे काम आ सकता है, हमारे काम करवा सकता है, तो जो लोग उनको आगे लेके आते हैं। तो मैं सिर्फ हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपको समस्या लगी असंध के अंदर, कि आपको आना पड़ा और लोगों ने आपको भेजना पड़ा इस फाइट के अंदर? देखिए, समस्या एक नहीं है, समस्या अनेक हैं। जैसे हम पानी के सीवरेज की बात करें, साफ़ सफाई की बात करें, या हम जितनी भी ये हैं अपना थोड़ी एजुकेशन व्यवस्था है, थोड़ी सी उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, या फिर बहुत सारी कमी है। हॉस्पिटल की बात करें तो छोटी छोटी बहुत सारी समस्याएं हैं। PMY योजना की बात करें तो मतलब जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए था, कहीं ना कहीं उन लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पे एक होता है ना, सख्त नज़र रखने की ज़रूरत होती है, तभी हम कहीं ना कहीं प्रॉपर इस पर वर्किंग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक हम किसी भी काम पर, किसी भी विकास कार्य पर कंटिन्यूसली लगातार नज़र नहीं रखेंगे, तब तक वो काम पूर्ण भी नहीं होता। तो ज़्यादा भारी हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, सिर्फ हमें असंध के लिए क्या जो है ग्रीन पॉइंट रहेगा आपका? ग्रीन पॉइंट तो ये है सर, क्योंकि लोग सर हर चीज़ नोट करते हैं, लोग ये देखते हैं कि कौन बेहतरीन तरीके से काम करा सकता है, कौन कर सकता है। और इसमें देखिए हर चीज़ मैटर करती है। चलो, ये तो अभी मतलब कि रिज़र्व सीट आई है, उससे पहले भी एज ए जर्नलिस्ट हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं और शहर की जितनी भी प्रॉब्लम है उनमें हम काफ़ी नज़र रखते हैं। जितनी भी समस्या है शहर में उन पर हमें पता है कि एज ए जर्नलिस्ट कहाँ पर क्या समस्या है। और क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हम समस्याएँ उठा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास समाधान की पावर नहीं होती है। लेकिन फिर भी लोग कहीं ना कहीं उम्मीद रखते हैं कि जर्नलिस्ट है, कहीं ना कहीं हमारी किसी चैनल पर या किसी न्यूज़पेपर में हमारी समस्या एक बार पब्लिश होगी तो शायद कुछ ना कुछ समाधान होगा। और ये है भी सच्चाई, जब कोई मीडिया में शहर की कोई भी समस्या आती है तो अधिकारियों का और सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित होता है और कहीं ना कहीं उस समस्या का समाधान भी होता है। तो लोग उम्मीद यही कर रहे हैं कि जर्नलिस्ट है, एक अधिवक्ता है, वकील है, और अगर हम इनको मौका देंगे तो शायद शहर बेहतरीन तरीके से काम हो सकता है। तो किस तरह की व्यवस्था आप चाहते हैं असंध के अंदर, और किस तरह की व्यवस्था आपकी जो है करने की कोशिश रहेगी अगर आप चुनाव जीत जाती हो? क्योंकि सपोर्ट तो लोगों की रहेगी और लोगों का भी सपोर्ट है। देखो, वो भगवान जी के हाथ में है, क्या कितना सपोर्ट रहेगा क्या रहेगा, लेकिन मैं इतना कह सकती हूँ अगर लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं वादा नहीं करके ये मैं आप लोगों को पूर्ण रूप से विश्वास देती हूँ। जितनी भी कमियाँ हैं उन पर प्रॉपर रूप से वर्किंग करूँगी और कोशिश यही रहेगी कि उन समस्याओं को ख़त्म किया जाए, जो भी छोटी छोटी समस्या है। समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है जैसे CCTV की है, क्योंकि शहर में बहुत सारी चोरियाँ होती है। स्ट्रीट लाइटों की बात करें, रोड की जो लाइटें हैं वो लगभग जो है ख़राब पड़ी है, जो कि लाइटों की और कैमरे एक ख़राब है। तो मेरी कोशिश रहेगी जितनी भी साफ सफाई की जितनी भी कमियां हैं वो अगर मुझे शहर मौका देता तो मैं उन सभी कमियों को दुरुस्त करूँ, ये मेरी को प्राथमिकता हो गई। देखिए, जैसे कि लॉकडाउन की वजह से 2 साल हो चुके हैं और एजुकेशन सिस्टम जो है ख़राब हो चुका है लगभग, तो उस पर क्या फोकस रहेगा आपका? देखिए, लॉकडाउन की वजह से जो है एजुकेशन है जो बच्चों की काफ़ी डिस्टर्ब हुई है और अभी धीरे धीरे ट्रैक पे भी आने लगी थी चीज़ें, लेकिन फिर से बीच में ओमिक्रॉन का जिस तरह से प्रकोप बढ़ा है फिर उसकी वजह से फिर स्कूल बंद हो गया। तो एजुकेशन सिस्टम है जो काफ़ी थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, वो भी लॉकडाउन की वजह से। देखिए, कोशिश यही रहेगी कि मौका देते तो बच्चों की स्कूलों पर हर तरह से नज़र रखी जाए और जैसे कि बहुत सारी चौपालें पेंडिंग पड़ी है उन पर भी काम किया जाए, प्रॉपर
वर्किंग किया जाए, जितने भी काम अधूरे हैं उनको पूरा किया जाए, और जितनी भी अभी शहर में कमियां हैं अगर शहर मुझ पर विश्वास जताता है और मुझे मौका देता है तो डेफिनेटली जितने भी अधूरे काम हैं तो मैं उन्हें पूरा करने की पूरी पूरी दिल से कोशिश करूँगी। तो दूसरी बात हम करते हैं स्वास्थ्य पे, स्वास्थ्य को लेकर किस प्रकार का कार्य आपने सोच रखा है भाई, हमारे असंध के अंदर जो है लोग स्वस्थ रहे और उनका स्वास्थ्य जो है बना रहे, क्योंकि पिछली बार हमने देखा लॉकडाउन के कोरोना वायरस की वजह से जो है एक हाहाकार जो मचा हुआ था पूरे देश के अंदर नहीं विदेशों के अंदर भी, तो उस पर किस तरह का हो रहेगा लोगों के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल? देखिए सर, जो मेडिकल फैसिलिटी जो कुछ थोड़ी बहुत गड़बड़ाई हुई क्योंकि कहीं ना कहीं स्टाफ की कमी है हॉस्पिटलों में, और जैसे कि आप कह रहे, देखिए जब हम किसी भी पद पर होते हैं किसी भी सपोज करिए अगर शहर हमें मौका, जो भी छोटी छोटी कमियां हैं तो हमें थोड़ा एक्टिव रहने की ज़रूरत है कि हम सरकार के और प्रशासन के संज्ञान में वो चीज़ें डालते रहे समय समय पर। अगर हम सरकार और प्रशासन के संज्ञान में डालते रहेंगे तो सरकार भी उस चीज़ पर ध्यान देगी और जो कमी है उनको दुरुस्त करने की हम भी कोशिश करेंगे साथ में सरकार के सपोर्ट से। कभी जो छोटी छोटी कमियां हैं उनको उनको समय से उनको ठीक करें। तो साफ सफाई को लेकर भी हम जो है जानना चाहेंगे, क्योंकि सबसे जो स्वस्थ और क्लीन जो किसी भी एरिया के अंदर हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो सबसे ज़रूरी होता है उसके साफ सफाई को लेके। तो साफ़ सफाई को लेके क्योंकि असंध में काफ़ी जगह हमने देखा है, और अब जब हम यहाँ को निकल के आए बस स्टैंड की तरफ भी काफ़ी जो है साफ़ सफाई की व्यवस्था काफ़ी कमज़ोर दिखी, कूड़ा जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और जो नगर परिषद का उन पर ध्यान नहीं है। देखिए सर, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि सफाई की व्यवस्था जो है तो कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ाई हुई है, और आप कह रहे कि हमने आते हुए देखा, आप तो जीन से बिलोंग करते हैं वैसे भी, तो कहीं ना कहीं जो है अभी मुझे डीप नहीं पता कि क्या कारण है, लेकिन हम कोशिश करेंगे मौका मिलेगा कि जब भी शहरवासी रात को सोए और सुबह उठे तो उनको शहर नीट एंड क्लीन मिले, ये हमारी प्राथमिकता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए। जैसे कि हम बता दें सोनिया बहुत एडवोकेट जी जो अब की बार जो है नगर पालिका चुनाव के अंदर जो है तैयारी में लगी हुई है और लोगों की काफ़ी सपोर्ट है, और हल्के में हम गए हैं काफ़ी जगह जगह पर हमने देखा है काफ़ी लोग जो है इनको सपोर्ट करते हैं, और उस सपोर्ट की वजह से जो है और ये आई हैं। तो और भी हम बात जी, मैं एक जाते जाते सभी दर्शकों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अपनी वोट का बड़ा सोच समझ कर प्रयोग करें, और अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कोई कैंडिडेट आए जो डेवलपमेंट कर सकता है विकास कर सकता है शहर की जो समस्या है उनको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर सकता है, उसके साथ रहें और बिना मतलब बिके, और जहां आपका ये लगे कि हाँ यहां हम काम हो सकता है सेटिस्फाई हैं तो वहां मतलब कि वोट करें सपोर्ट करें, और आपका प्यार मेरे लिए बहुत अहमियत है, अगर आपका प्यार रहा तो मैं आप लोगों से एक उम्मीद देती हूँ एक कि जितनी भी समस्या है उनको जड़ से ख़त्म करने की पूरी पूरी तहे दिल से कोशिश करूँगी। न्यूज़ 24 के सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि हमने बात की है, और तीन ही मुद्दे जो ज़रूरी होते हैं एक जिम्मेवार इंसान के पास, सबसे पहले तो हम सफाई, दूसरा स्वास्थ्य और शिक्षा, और तीनों ही मुद्दों पर एक बेहतरीन जो है इनकी सोच है उस तरह से इस असंध को आगे बढ़ाने के लिए, सफाई में भी एजुकेशन में भी और स्वास्थ्य को लेकर भी जो काफ़ी इन्होंने सोच बना रखी है, अगर इनको मौका मिलता है तो सारे तीनों के तीनों काम पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और सबसे जो ज़रूरी है एजुकेशन सिस्टम उससे भी जो है काफ़ी जो इन्होंने सोच बना रखी है वो आपने इन्होंने बताया है हमारे कैमरे पर। तो बने रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC24 न्यूज़। जय हिंद।